हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 15 मई 2019 के करंट अफेयर्स जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने हैं तो उसके लिए राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। तो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट फ्रॉम ए टेस्ट रेंज इन ओडिशा। भारत ने ओडिशा के एक परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट, दूरदर्शन हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सोवेनियर स्टोर फॉर इट्स व्यूअर ऑन अमेजन इंडिया सो दैट वन कैन इजीली एसेस इट। दूरदर्शन इज इंडियाज फर्स्ट ब्रॉडकास्टर विच हैज स्टार्टेड सोवेनियर स्टोर। ए सूर्य प्रकाश चेयरमैन प्रसार भारती लॉन्च डीडी सोवेनियर स्टोर ऑन अमेजन इंडिया। दूरदर्शन ने अमेजन इंडिया पर अपने दर्शकों के लिए एक ऑनलाइन स्मारिका स्टोर शुरू किया है ताकि कोई भी इसे आसानी से देख सके। ए सूर्य प्रकाश अध्यक्ष प्रसार भारती ने अमेजन इंडिया पर डीडी स्मारिका स्टोर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, द WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। द मिनिस्ट्रियल मीटिंग बिगैन विद ए डिनर होस्टेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु। द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO रॉबर्टो एजुवेडो वाज आल्सो प्रेजेंट एट द ओकेजन। विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। मंत्री स्तरीय बैठक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा आयोजित रात्रि भोज के साथ शुरू हुई। WTO के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो भी रात्रि भोज के दौरान उपस्थित थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। तो द कैन्स फिल्म फेस्टिवल हैज बिगन इन फ्रांस। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट कैनस एंड विल इनॉग्रेट इंडिया पेविलियन। सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस में शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे कान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और भारतीय पेविलियन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अंडरटुक एन ऑफिशियल विजिट टू वियतनाम एट द इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाय डांग थी नॉग थिन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वियतनाम के उपराष्ट्रपति डांग थी ओक थिने द्वारा विस्तारित निमंत्रण पर वियतनाम की आधिकारिक यात्रा की। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। तो LIC म्यूचुअल फंड अपॉइंटेड दिनेश पेंगटी एज द कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। पेंगटी वॉज डायरेक्टर एंड CEO एट LIC ग्रुप्स प्राइवेट इक्विटी डिविजन LIC HFL AMC। He joined LIC as a direct recruit officer in 1984. LIC म्यूचुअल फंड ने दिनेश पेंगटेई को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। पेंगटेई LIC समूह के निजी इक्विटी डिवीजन LIC HFL AMC में निदेशक और CEO थे। वह 1984 में LIC में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार की। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन नैनीताल बैंक फॉर इट्स फेलियर टू फुली ऑटोमेट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस डिस्पाइट स्पेसिफिक डायरेक्शन इश्यूड इन दिस रिगार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस संबंध में जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने में अपनी विफलता के लिए नैनीताल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना
लगाया है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एक होप ब्रांडेड मल्टी करेंसी कार्ड विद ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग पोर्टल गोइबिगो। बो द कार्ड आल्सो इंक्लूड्स बेनिफिट्स ऑफ अप टू 20,000 रुपीज इंक्लूडिंग गिफ्ट वाउचर ऑफ 15,000 रुपीज फ्रॉम गोइबिगो। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग पोर्टल गोइबिगो के साथ सह ब्रांडेड बहुमुद्रा कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। कार्ड में 20,000 रुपये तक के लाभ भी शामिल है, जिसमें गोइबिगो की ओर से 15,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर भी शामिल है। नेक्स्ट, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड अनाउंस्ड 700 करोड़ रुपीज वेंचर कैपिटल फंड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फोकस्ड स्टार्टअप्स। नाबार्ड हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू अदर फंड्स टिल नाउ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द रूरल डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड ए फंड ऑफ इट्स ओन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण केंद्रित स्टार्टअप्स में इक्विटी निवेश के लिए 700 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की है। नाबार्ड अब तक अन्य धनराशि में योगदान दे रहा है और यह पहली बार है कि ग्रामीण विकास बैंक ने स्वयं का एक कोष शुरू किया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कार की, तो सीएट क्रिकेट रेटिंग सीसीआर अवार्ड 2019 वर अनाउंस्ड इन मुंबई। इंडियन कैपिटल कैप्टन विराट कोहली बैग्ड द इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ड्यूरिंग द सीसीआर इंटरनेशनल अवार्ड। पेसर जसप्रीत बुमराह वाज एडजॉइंट एज इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर। मुंबई में सीएईएटी क्रिकेट रेटिंग सीसीआर अवार्ड 2019 की घोषणा की गई। भारत के कप्तान विराट कोहली ने सीसीआर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट आई बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की, तो इंडियाज राहिल गांगजी फिनिश्ड टाइड 39th वाइल विराज मदप्पा एंडेड द 53rd एट द एशिया पैसिफिक डायमंड कप हेल्ड इन जापान। जापान युसुकु असाजी वॉन द एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 एट द सोबू कंट्री क्लब। जापान में आयोजित एशिया पैसिफिक डायमंड कप में भारत के राहिल गंगजी 39वें स्थान पर रहे, जबकि विराज मड़प्पा 53वें स्थान पर रहे। जापान के योसुक आसाजी ने सोबू कंट्री क्लब में एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 जीता है। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात की जाए, तो इंडियाज जीएस लक्ष्मी हैज बिकम द फर्स्ट इवर वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज एंड विल बी एलिजिबल टू रेफरी इंटरनेशनल गेम्स विद इमीडिएट इफेक्ट। भारत की जीएस लक्ष्मी आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। वह तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए रेफरी की पात्र होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।